अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हमारा राइटिंग स्किल देखेंगे। 12th के राइटिंग स्किल का ये पहला वीडियो होगा जो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बताएगा कि किस तरह से आप अपने राइटिंग स्किल में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले सकते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपके राइटिंग स्किल का, स्पेशली कौन सी राइटिंग स्किल। तो देखते हैं हम कि ये आपकी राइटिंग स्किल होती है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज ये आपकी राइटिंग स्किल होती है और इसे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज ये आपका 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप जानते हैं आपका जो पेपर है इसके पेपर के अंदर आपके पेपर को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और सेक्शन जो थर्ड होगा कि सेक्शन थर्ड आपकी राइटिंग स्किल होती है और राइटिंग स्किल सेक्शन थर्ड ये आपका टोटली होता है 16 मार्क्स के लिए। और 16 मार्क्स के लिए इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन ए बी सी और डी, और इसी में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और D1 D2 D3 इस तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं। और इसी में से एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 मार्क के लिए ये सवाल पूछा जाएगा ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या करना है, आप मेरे इस वीडियो पर मेरे इस चैनल पर बने रहिए, इंशाल्लाह आपको मैं यहाँ पर इसमें से 4 राइटिंग स्किल हम परफेक्ट कर लेंगे जो हमारे लिए बहुत आसान होंगे और आसानी से हम उसे समझ लेंगे कि किस तरह से उसे लिखा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, यानी क्वेश्चन पेपर से आंसर पेपर में किस तरह से उसे लिखा जाता है ये हम देखेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला हम राइटिंग स्किल देखेंगे जो आसान सा है और आसानी से हम उसमें 4 मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो राइटिंग स्किल है मेरे एतबार से जो आसान सी है, जिसे हम अच्छे से हमारे आंसर शीट में बहुत अच्छे से लिखकर 4 में से 3 या 3.5 या 4 में से 4 मार्क भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपको दिया क्या जाएगा, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि दिया जाएगा ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वहाँ पे कन्वर्सेशन दी जाएगी, मैसेज दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ये क्वेश्चन को पढ़कर, ये कन्वर्सेशन को, डायलॉग को पढ़कर हमने इसे एक मैसेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्या होता है, हमारे मैसेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये हमने बना लिया, ये हमारा मैसेज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आएंगी डेट, उसके बाद आएगा टाइम। अब ये दो चीज़ों के बाद में ये मैसेज हम किसको लिख रहे हैं, उस पर्टिकुलर बंदे का नाम आएगा, टू आप लिखेंगे नहीं, ये टू लिखेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर जिसको आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं टू नेहा, तो नेहा का नाम आएगा। इसके बाद इस स्ट्रक्चर में आएगा वो मैसेज जो हमने नेहा को देना है, नियरली 4 to 5 lines में ये मैसेज होना चाहिए, कम से कम अल्फाज में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमने एक्सप्लेन करनी है इस मैसेज के अंदर। अब डेट आ गया, टाइम आ गया और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम, उसके बाद में लास्ट में मैसेज कवर होने के बाद में सेंडर, मतलब जो ये मैसेज लिख रहा है, आप यहाँ पे सेंडर नहीं बल्कि फॉर एग्जांपल अहमद लिख रहा है, तो अहमद ये नाम आएगा जो मैसेज लिख रहा है। आप जब उस कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे, इस कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कन्वर्सेशन के अंदर मैसेज लिखने वाला कौन है, यानी ये मैसेज बनाने वाला कौन है, किसे बना रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा, और जो मैसेज है आपने उस दिए हुए क्वेश्चन से निकालना है। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, उस डायलॉग को पढ़कर उसमें से मेन मैसेज निकालना होता है और उसे अपने एतबार से मैसेज बनाकर लिखना होता है। तो स्ट्रक्चर के ऊपर देखो, सबसे पहले डेट आएंगी, फिर टाइम आएगा जिसको लिख रहे हैं उसका नाम, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेन कंटेंट आएगा, यानी जो मैसेज आपका उस पर्टिकुलर इंसान को देना है वो मैसेज आएगा, और उसके बाद में ये मैसेज जो लिख रहा है उसका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन, आशना हेलो मे आई स्पीक टू रंजीत प्लीज। मिस्टर सिंह, रंजीत इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। आशना माई नेम इज आशना, आई एम रंजीत्स क्लासमेट। मिस्टर सिंह, हेलो आशना आई एम रंजीत्स फादर, इज देर एनी मैसेज। आशना यस प्लीज आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे, आई वॉज अब्सेंट फॉर स्कूल ड्यू टू इलनेस, आई वुड लाइक टू सी द नोट्स विच अवर बायोलॉजी टीचर गेव टू द क्लास ड्यूरिंग माई एब्सेंस। मिस्टर सिंह, I will definitely do that. Since Mr. Singh had go for his morning walk,
ही लेफ्ट अ मैसेज फॉर रंजीत, ड्राफ्ट द मैसेज इन 50 वर्ड्स। अब यहाँ पर हमें रंजीत के लिए मैसेज बनाना है एज अ मिस्टर सिंह, यानी मिस्टर सिंह यानी रंजीत के फादर बनकर हमने रंजीत के लिए एक मैसेज बनाना है। अब इस कन्वर्सेशन को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ समझती है कि इसके अंदर जो मैसेज दिया गया वो मैसेज क्या है, वो आशना का मैसेज है जो रंजीत को देना है। और रंजीत को क्या मैसेज देना है कि आशना ये चाहती है कि रंजीत उसकी जो बायोलॉजी की टेक नोटबुक है और नोट्स हैं जो बायोलॉजी के टीचर ने उसके एब्सेंस में बताए थे वो आशना देखना चाहती हैं। तो अब आशना को वो नोट्स देखने हैं, तो रंजीत के फादर को इस तरह का मैसेज बनाना होगा कि वो मैसेज रंजीत तक पहुंच जाए। तो अब हमें ये बात पता चल गई कि हमें बताना क्या है मैसेज के अंदर। अब इस फॉर्मेट के अंदर अगर हम देखते हैं तो फॉर्मेट के अंदर हम दे देंगे इस कन्वर्सेशन के अंदर, अब देखेंगे तो कोई तारीख नहीं बताई गई है, तो आज की तारीख डालेंगे हम 17 फ़रवरी। अब इस कन्वर्सेशन को पढ़ने के बाद ये बात समझ में आ गई कि ये कन्वर्सेशन मॉर्निंग में हुआ है, तो हम टाइमिंग भी डाल देंगे 7 AM। तारीख और टाइम इस तरह से आएगा। अब इसके बाद में आएगा ये मैसेज हम किसको दे रहे हैं, रंजीत को दे रहे हैं, और रंजीत को क्या मैसेज देंगे वो मैसेज यहाँ आएगा। और मैसेज कौन दे रहा है, डैड, हम इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, मिस्टर सिंह। तो इस तरह का हमारा फॉर्मेट बन सकता है, तो इस तरह का फॉर्मेट हमारा बनना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम फॉर्मेट बनाएंगे। पहले आएंगे डेट, टाइम उसके आगे आएगा, रंजीत जिसको हम लिख रहे हैं मैसेज, मैसेज शॉर्ट में 50 वर्ड में मैसेज हमारा बनना चाहिए, कम से कम वर्ड में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर देना है। यहाँ पर हमारा मैसेज होगा और कौन ये मैसेज बना रहा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर मैसेज बनाकर दे रहा हूँ। पहले हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग का ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया वो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन। देखिए किस तरह का फॉर्मेट बना हुआ है। ओके, कम से कम वक्त भी ये हो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको इमेजेस दे रहा हूँ, आप इसे आसानी से समझ लें। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिसकी वजह से आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।